फैसला आया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि राम मंदिर अयोध्या में बनेगा और वहाँ पर अब अयोध्या की रामलीला होने जा रही है और अयोध्या की जो रामलीला होगी उसमें राम और सीता हमारे साथ हैं, जिसमें कविता जोशी हमारे साथ हैं और सोनू डागर जो राम बने हैं इसके अंदर। सीधे पहले कविता जोशी से बात करेंगे। मैडम क्या कहना चाहेंगे अयोध्या की रामलीला? सबसे पहले सबको जय श्री राम। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही खुशी का पल है और मेरे लिए तो ऐसा पल है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अयोध्या नगरी में रामलीला करने का मौका मिलेगा, राम जन्मभूमि में। तो बहुत खुश हूँ और बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिहर्सल चल रही है, तो होप सो अब इंतज़ार है 17 अक्टूबर का। कविता जी, आपके दर्शक जो अभी तक वो रागनियाँ देखते थे, एल्बम देखते थे, देहाती फिल्में देखते थे, आपकी बार देखते थे, अब आपको सीता के रूप में देखेंगे, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के बारे में? मेरे जितने भी दर्शक रहे हैं, मैंने जितनी भी फिल्में की हैं या मैंने एल्बम सॉन्ग्स किए हैं, तो मैं आज जहाँ पे भी पहुँची हूँ तो मैं सारा क्रेडिट अपने ऑडियंस को देती हूँ, बिकॉज़ उन्होंने हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है। और थैंक्स कहना चाहूँगी बॉबी सर का, जिन्होंने मुझे इस किरदार के लिए चुना। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी प्रवेश कुमार जी का, जो हमारे इस रामलीला के डायरेक्टर हैं। तो सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मुझे सीता माता का किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। अभी तक आपने देहाती फिल्मों में अपना रोल अदा किया, आप सीता का रोल निभा रहे हैं, किस तरह की कुछ परेशानी आएंगी या एकदम कर देंगे एक बार में? परेशानी तो नहीं आएगी, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए मैं ये रोल मुझे मिला है और उनका आशीर्वाद रहा। बहुत अच्छे से निभाऊंगी और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस किरदार को जीने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसे कैसे प्रेजेंट करूँगी। और मैं बस आशीर्वाद रहेगा सबका और श्री राम जी का, तो बहुत अच्छे से निभाऊंगी। कब कॉल आया आपके पास के, और कॉल आने के बाद आपको इन्विटेशन आया कि मुझे सीता का रोल मिला है, तो कितने उत्साहित हुए आप? मैं बहुत खुश हुई। ये प्रोसेस चल रहा है, लगभग 2-3 महीने हो गए हैं इस प्रोसेस को। तो मेरी जो डायरेक्टर हैं हमारे, उनसे मीटिंग हुई और उन्होंने जब मुझे देखा तो बोला कि यही मेरी सीता है मेरी रामलीला की। उसके बाद हमारे जो बॉबी मलिक जी हैं अध्यक्ष, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया और मुझे इस रोल के लिए चुना। तो मैं बहुत ही बहुत खुश हूँ इस किरदार। इतना बिजी शेड्यूल रहता है, आपकी फिल्में रहती हैं, कैसे टाइम निकाला आपने रामलीला को लेकर? पहली बार रामलीला कर रही हैं, सीता का रोल निभा रही हैं जी। देखिए, फिल्में हम लोग अक्सर करते रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा काम है जो बहुत टाइम बाद एक ऐसा दिन आया है कि राम मंदिर का आधारशिला रख दी गई है। तो मेरे लिए ये एक ऐसा न्यू मोमेंट था कि मुझे ये करना है। फिल्में मैं हमेशा करती हूँ, एल्बम सॉन्ग में हमेशा करती हूँ, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने पहली प्रायोरिटी इसको दी है कि मैं रामलीला करूँगी। देहाती फिल्में बनाती आई हैं आप काफ़ी, और इस बार उसमें जैसे कि फिल्मों में कई बार कट हो जाता है, कट एक्शन बोलना पड़ता है, इसमें लाइव रहता है, तो कैसे निभाएंगे इस रोल को? बिल्कुल, फिल्मों में कट होता है और हम अगर दोबारा भी हम उसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट चलेगा और उसके लिए हमारी रिहर्सल्स चल रही हैं। हम लोग डेली रिहर्सल कर रहे हैं, 1 महीना हमें हो चुका है। तो हमें हमारे डायरेक्टर हैं प्रवेश कुमार जी, वो बताते हैं कि हमें कैसे प्ले करना है, कैसे क्या करना है। हम अपने डायलॉग्स याद कर रहे हैं, तो हम बहुत अच्छा करेंगे और भगवान का आशीर्वाद है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा करेंगे। कितनी मोटी स्क्रिप्ट है आपकी डायलॉग? आई थिंक 350 पेजेस से ज़्यादा पेजेस हैं और काफ़ी पूरी रामायण है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि रामलीला देखिए और राम जन्मभूमि में इसका भव्य रामलीला का उद्घाटन हो रहा है, तो देखिएगा 17 से 25 अक्टूबर अयोध्या में। अयोध्या की रामलीला के राम भी हमारे साथ हैं, सोनू डागर। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सबको जय श्री राम। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे प्रभु श्री राम का किरदार निभाने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे डायरेक्टर प्रवेश सर, सुभाष बॉबी मलिक जी, उनकी सभी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ कि 17 से 25 अक्टूबर अयोध्या में रामलीला होने जा रही है। इतना बड़ा किरदार निभाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। डेली हमारी रिहर्सल चल रही हैं, तकरीबन 5 से 6 घंटा, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इससे हमें, जो कि हमने पहले कभी नहीं सीखा। बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। ये राम का रोल सबसे बड़ा रोल है, विष्णु का अवतार है, क्या कहना चाहेंगे? पहली बार रामलीला कर रहे हैं? हाँ जी, मैं पहली बार कर रहा हूँ और पहले दूसरे दिन मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी लाइन्स बोलने में, क्योंकि
आसान नहीं है बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलना, बट अभी वो यूज टू में आ गई है। लाइव डायलॉग बोलने पड़ेंगे आपको? हाँ जी, लाइव बोलना पड़ेगा। एक्चुअली कैमरे में जो एक्टिंग होती है उसमें तो रीटेक हो सकते हैं, लेकिन इसमें रीटेक नहीं मिलेगा, इसलिए हम दिन दुनी रात चौकनी मेहनत कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि सब लोग रामलीला देखें और उससे सीख लें गलत और सही की, रावण के रोल से और हनुमान जी के रोल से, हर पात्र से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो रामलीला हमें राम जी की जो कथा है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं सभी को कहना चाहूँगा कि सब रामलीला देखें। कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? स्क्रिप्ट मिल गई होगी? सर हमारी प्रैक्टिस चल रही है तकरीबन 25-30 डेज से। डायलॉग याद हो गए हैं सब? डायलॉग्स लगभग याद हो गए हैं, लगभग याद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कविता जोशी और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली।